आदाब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, खैर आदाब, खैर आदाब। सब ठीक है, खुश है, अमन में है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चलो आपके माशाल्लाह भाई, कैसे आप जैसे है, भाई ये तो खुश ही रहेंगे ना। जजाक अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक मेरी बहनों को आबाद रखे, खुश रखे, नजरे बद से बचाए, अपने हिफ्ज व आमीन। अमान में रखे। रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा था, मैंने भी की, देखिए हम यही कुछ कर सकते हैं, लास्ट 3 लाइवें देख लें, हमने क्या, मैंने क्या किया है, मैंने यही सबको रिक्वेस्ट किया है। अब एक बंदी वहां से थी कि आप ऐसा ऐसा, मैंने कहा भाई मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। अब असल में बस मुद्दा ये है कि उनकी तरफ से ही खत्म नहीं हो रहा, और सबसे अफसोसनाक या उनके गले की हड्डी ये बना हुआ है कि उनसे ही खत्म नहीं हो पा रहा। अब उसका जो है ना रिएक्शन जो है ना फिर अलग ही लिया जा रहा है। अब बहुत बेचारे फंसे हुए हैं, मेन जो मेन पार्टी है ना जिसपे सारा ये घूम रही है, मतलब मैं हो गया, दूसरी पार्टी हो गई, उनके उनकी कोई नहीं मान रहा। चलो मैंने आप सबकी मेहरबानी, मैंने आपको बोला, आप लोगों ने जो है ना माने मेरी बात, मान रखा मेरा। मुझे जी जी नहीं समझ आ रहा ये कैसे होगा, मुझे तो नहीं आ रहा, हम इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। देखिए मुसलमान आई है, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा भाई आप कैसे, आप सपोर्टर हो मुझे तो। अच्छा वो मुझे कह रही है अगले दिन, मैंने खुद सुना, मैंने ऐसे पता नहीं किसी ने मुझे कहा, मैंने ऐसे खुद शायद मैंने ऐसे ओपन किया तो मैं आगे सुन के हैरान, वो बंदी जो मुझे कह रही है कि साजिद ऐसा ऐसा, यार इतने डबल स्टैंडर्ड डबल फेसेस है, मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ। और मैं सुन रहा हूँ वो कह रही है कि भाई अब ये नया नया दिल भर ये सारे मिल गए उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा लो जी, अब बंदा मतलब कि हद ही है, मतलब एक हद ही है, क्या कह सकते हैं, मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ कि भाई ये कैसे लोग हैं। तो फिर मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई नहीं करनी चाहिए। देखे अगर इतना आप सपोर्टर हो, आप अभी मैंने देखा उसके बावजूद मेरे पे वीडियो बनी, तो भाई मेरे पे बना रहे हो, आपके सामने कन्फेस हो गया ना, यही था, मैंने कहा भाई मैं नहीं हूँ ऐसे ऐसे है, मैं लेके आ सकता हूँ बट मुझे नहीं लेके आने। आप जाओ ना उनसे पूछो, सवाल जवाब करो, वहां पे फटती है आपकी, आपके जहरी बात है, आपके व्यूज कम होंगे, आप खतरा नहीं मोल ले सकते। हमारा तो कोई ऐसा कंसर्न है नहीं कि हमें कोई टेंशन होगी हमारे व्यूज ऐसा डॉलर वॉलर, भाई नहीं है, अल्लाह पाक का करम है, ठीक है कम है ज्यादा, ठीक है हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। मैं घर जा रहा था तब शायद मैंने देखा एक बंदी के मैसेज आए हुए थे, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए बट अगर उसने डाली तो दोबारा मैं नाम ले लूंगा, मैं फलां हूँ, फलां की बहन हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जिसकी बहन है वो हमारी बहन है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारे जैसा आप काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारी अच्छा हूँ बुरा हूँ जो हूँ बट मुझे ये सिखाया गया, मुझे ये पता है कि ठीक है मुझे रिस्पेक्ट देनी है, मैं फलां हूँ ऐसे ऐसे, अच्छा नहीं हो रहा, मैं बात करना चाहती हूँ, ये सब खत्म हो। अगले दिन मैंने देखा वही गंदा बोल रही है, मैंने कहा यार पता नहीं, अब यही है कि वो कोई कंटेंट लेना चाहती है, अब वो फिर दोबारा आके कहती ये तो हमारा गेम था, मैंने कहा भाई लाख लानत ऐसी गेमों पे जो लोग करना ही गलत चाह रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कैसे लोगों, मरना नहीं है लोगों को, नहीं अल्लाह पाक हिदायत दे, अल्लाह पाक हिदायत दे, हमें भी कमी है, अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे, हम पहले सबसे पहले अपनी हिदायत मांगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं उसे पॉइंट आउट करूंगा कि उसे भी चाहिए वो खुद आके वीडियो में बताए, कम्युनिटी लगाए, एक बंदे को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं या उसे आगे किया हुआ है बेइज्जत होने के लिए भी या डिफेंड करने के लिए, जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है। उन्होंने वो चाचे की मैं देखी हंसा, हालांकि मैं बताने पे हूँ तो है ही मेरा बंदा। अच्छा मैं बताऊँ कि उसने क्या क्या हमारी बातें में क्या क्या करता रहा, क्या क्या बेचारा 2-2 घंटे 4-4 घंटे मेरे घर के चक्कर लगाता रहा, वीडियो बना लो वीडियो बना। मैंने कहा भाई रहने दे, मुझे पता है आप लोग इसको भी कैश करोगे लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है। और वो जिसके लिए आ रहे थे उल्टा वो दूसरी पार्टी मुझे मेन बंदी रोक रही है, नहीं ख्याल करना भाई इनके साथ बनानी नहीं है आपने वीडियो, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं वो सारा दिन कोई बकवास करता रहे, मैं सिर्फ एक बात बोलूँ ना तो पता नहीं कहाँ तक बात जाएगी, लेकिन भाई मुझे करनी नहीं है, मैं क्या मुंह लगूंगा, मुझे पता है कि मैं अगर एक बात बोलूंगा तो क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं करनी भाई क्या करेंगे करके। फिर वही अच्छा वो अब छोड़ दें इस बात को, मैं नहीं बताना चाहता, वो 2-2 4-4 घंटे बेचारा 2-2 4-4 घंटे, क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है सुबह नमाज नहीं, पढ़ के लेकिन घर हमने तो में देखा सो है ना जाता आपके हूँ। भाई और चाचे के साथ बैठ के भाई उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पता दादा है, मिजाज अरे शाह कॉले और ये है। लास्ट टाइम 3 तारीख को उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी होंगी, जो फर्स्ट कॉल पे उसने मुझे बोला कि हम तो ऐसे हैं वो तो छोड़ दो, जैसे यार यही है ना डबल स्टैंडर्ड है, मैं हैरान हूँ कि लोग क्या है, मतलब चंद व्यूज के लिए पैसे के लिए दिखावे के लिए क्या करते हैं। मैं ये ठीक को नहीं वैसे, मतलब ठीक है नहीं नहीं करना चाहिए, देखे जो बड़े हैं ना हम वैसे नहीं है जैसे वो सब है, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, बट ठीक है मेरा मेरा सबके लिए सॉल्व करना है, मेरा सबके लिए, आप मेरी बहन है, भले कोई भी वहां से करे तो मुझे बुरा लगता है कि यार मैं आपको शायद मेरी पहले ही बात हो चुकी है कुछ बहनों से, देखें कुछ चीजें आप करते हो ठीक है, शायद मैं वैसे करता नहीं कर पाया,
बट जब आप छोड़ते हो ना अल्लाह पाक में, और अल्लाह पाक का रिवेंज जो मतलब वो आपसे भी बढ़ के आपके सामने आपको सब दिखा रहा हो कि मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आपका बदला मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें होते हैं जो जिनकी माफी नहीं होती, बोले वो मैं करूँ कोई भी करे, तो ठीक है ना, फिर वो देखो आप बैठ के, इससे बढ़ के क्या है, सब सामने है, देखे सब सब सामने है, और सब सामने आ गया, उसके बावजूद ये भी आ गया कि आस्ते इनके सामने कौन थे, किस किस ने क्या किया, वो मतलब वो दूसरी पार्टी को सपोर्टर को नजर नहीं आ रहा कि भाइयों इतना आपको है उससे प्यार, इतना सब है, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आप उन गंदी भेड़ों को या वो जो आस्तीन के सामने उन उन पे जाओ ना, मैंने मेरा एक काम था, मतलब कुछ है इश्यूज अभी भी भले है वो तो हो जाएंगे, बट जो थे हमने वो सामने रख दिया, अब उनको ही नजर नहीं आ रहा, उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी बात है ना, मैं नहीं चाहता कि आप पे गंदा है, सीधी बात है, या किसी पे गंदा है, हम ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्या करेंगे करके, सब सामने अल्लाह पाक सब वो तो लेके ये आएगा, जान भाई, आप ना इस तेल बहुत भरने पुरानी के लिए फिल्म ना, है। तेल तेल भरने के लिए ना कोई मसला नहीं है, बिठाने के लिए मैं शायद इससे भी बड़े बड़े पैनल बिठा दूं, लेकिन भाई मैं इनको समझता नहीं हूँ अपना कंपिटेटर, क्या है ये, कोई भी नहीं है अभी, कोई भी बड़े से बड़ा बकवास करने के लिए बैठ जाए ना, मैं गंद तो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारे गंद है, डस्टबिन हर है तरह से चुप डस्ट। हाँ चुप करके हर तरह से चुप करा सकता हूँ, लेकिन भाई है ही नहीं, क्या गंद में मारोगे तो आपके खुद के कपड़े खराब होंगे, वही चीज है ना, मैं तो देखे, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखे पहले इधर से मैंने वहीं से बैठ के कहा, मैंने कहा भाई रिक्वेस्ट है सब खत्म करो, अच्छा सब हुआ, लेकिन वो ही अच्छा दूसरी पार्टी अब फंसी हुई है, वो खुद चाहती है खत्म हो लेकिन वो फंस गई है खुद, अब सब यूज हो रहे हैं, कोई यूज कर रहा है, कोई यूज हो रहा है, कोई धमका रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो भाई ठीक है अब होते रहे, जिन्हें खुद ही निकल, अभी भी अगर चाहे तो 1 मिनट का खेल है, किसी के बाप के में दम है कि वो अगर चाहे वो इजाज के पास कोई आए आए और सोल्यूशन ना निकले, बट ठीक है हम भी इंजॉय कर रहे हैं, होते रहे जलील, हमें क्या है, जब खुद ही जलील हो रहे हैं तो हमें क्या है भाई, बैठ के देखो, हम तो यही रिक्वेस्ट की सब देखा, तो मैंने कहा अब यही नहीं ना होगा जान, मसला, नहीं मेन मुझे ये मुझे चीज देखें नहीं है। रिग्रेट होता है, रिग्रेट बड़ी चीज होती है, मुझे है एक चीज है, दुख है बहुत कुछ है, बट वहीं पे आके वो मैंने अपनी जात पे अपनी अपने आप को मारा उस पे, कि अब जहाँ पे आके बैठ जाऊँ या लोग बकवासें कर रहे हैं, वो भी कैश करा रहे हैं वही लोग जो उनके अपने बनते हैं, फिर जी हम भी वैसे बन जाए तो क्या, बिल्कुल, अब मुझे यही जी तो जी हैरानगी हो रही है, जो दूसरी साइड की पार्टी है वो कहती है जी अब हम जी इसके ऊपर से टैग हटाएंगे, टैग हटाने की बजाय टैग उसमें मजीद वो उन्होंने उल्टा पत्थर और कर ज्यादा दिए। कर रहे हैं, बिल्कुल, उल्टा ज्यादा कर रहे हैं, उल्टा ज्यादा मतलब उनको जलील कर रहे हैं, पहले तो एक नाम कंफर्म हो रहा था ना, आज उन्होंने दूसरा तुम्हारी नाम के आवाज साथ नहीं डाल हो रही दिया, है। सबसे बहुत कुछ अभी बहुत कुछ गंद सामने आएगा, पहले मैं शायद आपकी बात काटूं, लेकिन मैं अभी भी मैंने लास्ट टाइम बोला, मैंने कहा भाई किसी बड़े से बड़े स्पोर्टर को अगर इश्यू है ना, वो मेरे मैं चाहता हूँ सबको रिक्वेस्ट है दोनों साइड से कि भाई मिल बैठ के खत्म करें सब, ठीक है, बाकी जो था वो सब सामने है, अल्लाह पाक उसका बेहतर जो है ना वो हिसाब करने वाला है, ठीक है, अगर किसी तुरम खां को अगर इश्यू है ना तो वो दूसरी हम प्राइवेट आ जाते हैं, मैं नहीं जाना चाहता, मतलब कोई ऐसे कहते हैं ना ऐसे ऐसे कोई कह रहा है फलाने यूज कराया फलाने यूज कराया, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट करूँगा सब खत्म करो सब खत्म करो सब खत्म करो, हमें जाना ही नहीं है, बट अगर किसी को मेरे साथ इश्यू है ना वो नहीं मांगेगी, वो नहीं मांगेगी, लेकिन वो चलो हो गया, लेकिन अब उसे चाहिए जो मैं चले, मैं उसको एडवाइस एक छोड़ रहा हूँ उसके लिए कि अभी भी उसको चाहिए कि आके वो खुद शट अप कॉल दे, लेकिन वो नहीं देगी नहीं देगी, मुझे पता है फेस सेविंग के लिए, फेस सेविंग के लिए हर बंदा करता है, वो गलत है सही है, भले मैं गलत हूँ सही हूँ, फेस सेविंग हर बंदा रखता है, ठीक है भले, लेकिन फेस सेविंग के साथ साथ भी मतलब कुछ हो, मतलब टैकल करना ना आता हो, मामला को टैकल करना आपको आ गया ना, मैं कहता हूँ थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए बंदे में, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से जब लाठी पड़ती है ना, बोले शायद मेरे पे पड़ी हो किसी पे पड़ी हो, वो फिर अक्ल के पर्दे ना वो अल्लाह पाक खत्म कर नहीं देता था कि ये सब खत्म करे, लेकिन वो दूसरी साइड से नहीं खत्म करना चाह रहे, अब मैंने बोला था कि मैं लाइव में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे आना पड़ा, मैंने कहा चलो मैं बहनों से जाकर कहता हूँ कि भाई फिर भी रास्ता निकाले, हमें इस गंद में नहीं पड़ना, हम निकल जाते हैं जो भी है सामने है, तो शायद ऑलरेडी किसी वीडियो में उसने बोल दिया था कुछ टाइम पहले भी, नैना ने बोला हुआ था, बिल्कुल यार, ये कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहते, मतलब दो तीन मेन मुद्दे जो है ना वो निकले ही उनकी तरफ से है, लेकिन जाओ ना भाई उनको एक्सपोज करो, लेकिन उधर उन्होंने जाना नहीं है, अब यही दुख है ना, मुझे भी दुख लगता है कि चल ठीक है, मैंने कहा तो दफा कर, वो खुद ही अपनी मौत आप मरेंगे सारे, जो भी इशू निकला है वो उनकी तरफ से ही निकला है, किसी ने किसी को बात की उसने उठा के आगे न्यूज दे दी कि भाई ऐसा ऐसा है लगा दो, वो तो मुझे भी पता है लोगों ने बताया कि भाई ये फलाम बंदी थी, ये फलाम बंदा था, ये फलाम बंदा था, इन्होंने दी है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बिगाड़ नहीं सकते, अगर बात नहीं करते हैं तो फिर और बातें निकलेंगी, हर बंदा अपनी जगह पे फंसा हुआ है, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो पहले बस कर दिया था उसने, हाँ मैंने शायद मुझे किसी ने वहां भेजा था, लेकिन उसने
कुछ तमीज से कहना चाहिए था उस बंदे को जो, लेकिन शुरू भाई मेरा मैसेज है कि शुरू भाई यही चीज है ना, ये जो अभी अल्लाह रसूल खुदा सवाब खुदा का खौफ, तो ये पहले होना चाहिए था भाई, ये सबके लिए होना चाहिए ना भाई पहले, हमेशा हमेशा। अगर मैं भी बोलूं तो, अगर मैं किसी को सबक दे रहा हूँ, किसी को एडवाइस कर रहा हूँ, तो कुछ भी करूँ, मेरा मानना ये है कि पहले वो मैं खुद से शुरू करूँ। उसका बिल्कुल मजा तब है कि मैं नहीं, इवन ऐसा हुआ कि जब इसने लास्ट वीडियो बताई, मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, जब वो कोई लास्ट वीडियो का था ऐसे, फिर सबने लास्ट वीडियो, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मतलब आप लोग न्यूज में रहना चाहते हो। कहते नहीं उसने बना दी, उसने बता दी, बना दी आपको उस साइड पे। मैंने कहा यार मैं उस साइड पे नहीं, वो उसकी गलती थी, यहाँ पे ये इस पार्टी की गलती थी। अगर चले सलमा कितने दिन बना लेती उसको कंटेंट को, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन खत्म हो जाता, वो उसमें रहती ना कोई बात। वो होता है जब बात हाँ पुरानी होती जाती है तो फिर उसकी वैल्यू वैसे वर्क ये खत्म होती जाती है। ठीक है, उसके भाई बाद ठीक है, यही बी एस सिस्टर ठीक ने मुझे कॉल की थी, है बी एस सिस्टर ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे है निजात भाई, आप इसको कंट्रोल करें कि अब बच्चों का नेम आएगा, हम नहीं चाहते क्या है। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार, मैंने मैसेज के जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे, आप इसको हैंडल करो, कि बच्चों को स्किप करो। वही हुआ, दूसरे तीसरे दिन असगर आ गया। अब यार देखिए वो सब उनका अपना है, वो उल्टा हम पे लेके बैठे हुए हैं। अब कहती ये हो गया, मैंने कहा भाई मैंने तो पहले बताया था कि इस चीज को हमेशा टाइम पे डील करना सीखो, अच्छा या बुरा। मैं मुझे जो समझाया गया ना अभी तक समझ आई है, जो अब्बा की बातें वो कॉल में गिनता हूँ, अब्बा ने ये बातें की है कि बेटा अगर इज्जत पे आ गई है मर जाओ, क्योंकि मरना तो वैसे है वो, जब मतलब जब तक भी आपका नाम रहेगा ना, तो वो कहेंगे कि गैरत के पीछे मर गया ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा एक टाइम आता है कि आप नहीं मर ये जाओ, दूसरा अगर पैसा दे के या कुछ दे के इज्जत मिलती है तो सब कुछ लुटा दो, पैसा फिर आएगा इज्जत मिलते। अगर ये भी नहीं कि अगर एक टाइम ऐसा भी आता है देखें कि आपको देखें मसलियत से काम लेनी पड़ती है, अगर इज्जत इज्जत बचती है ना थोड़ा सा, मतलब झुकने से या ऐसे मामला ठीक होते हैं। तो हकीकत ये है, मुझे ये समझाया गया है कि भाई जो वक्त डिमांड करे वो देनी चाहिए, अगर जो नहीं देता वो समझे फ्लॉप है। तो रिएक्शन तो था, रिएक्शन तो मैंने पहले बताऊं कि मेरे भाई जो अभी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपकी भाई, अब वाइफ वाइफ मेरी को ऑलरेडी सब पता है बहुत टाइम से। चले वो छोड़ दें, अब क्या बताऊं। लेकिन मेरी फैमिली ने देखें ये होती है बात, मेरे भाई ने जब बहुत कुछ कहा उन्होंने, बट एक चीज कहा, देख मुझे ये कहा कि बेटा अभी लास्ट टाइम भी उनकी कॉल आई है, जब ये सब हुआ ना, जब मैंने कहा था आप सरप्राइज आएगा, क्योंकि मुझे कॉलें आ रही थी, उनका कॉलें मतलब एक नेटवर्क घूम रहा था, माफी तलाफी जो भी था उस तरह से वैसे नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए थी, क्योंकि वो बाद में भी होगी, उस तरह से नहीं आया जैसे वो एक ना मैसेज आता वो नहीं, मुझे खैर समझ नहीं आया सही से। मुझे जो मेरा था एक डिमांड थी वो अभी तक उस तरह से सॉरी नहीं आई। ठीक है वो आ जाएगी या देख लेंगे, वो शायद सामने बैठ के जो हो जाए, बट भाई ने सबसे पहले ये कहा कि बेटा ठीक है हम आपके साथ हैं, देखें फिर मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ ना, फैमिली मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, और शायद किसी की फैमिली किसी को ना छोड़े, बिल्कुल बट गलत आप भी हो। उन्होंने ये नहीं कहा, कहते ठीक है हम इकट्ठे हैं आपके पीछे हैं सब है, लेकिन बेटा हम ये नहीं कहेंगे आप गलत नहीं हो, आप भी तो गलत हो, बात खत्म। ना 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 कुछ नहीं करना, देखिए हम एक चीज को खत्म, बाकी ऑलमोस्ट बोलते आप सब सामने, देखिए ऑलमोस्ट सामने, लेकिन देखें एक हम कॉज के लिए एक कल भी खड़े थे आज भी खड़े, हमारा अलहमदुल्ला जो ऑडियंस अच्छी समझदार देखने वाली है उसे पता है कि बस भाई यही हम बोलना है आपको फिर कि जो भी सामने है ना वो सच है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह शबनम, कमाल करते हो भाई आप देखोगे कुछ टाइम बाद बहुत कुछ सामने आएगा कि कौन कितना कितना फंसा हुआ है और कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। वेट एंड वॉचर, क्यों आप थोड़ा ठंड रखो ना यार, मिनिमम जो है जो इन्वॉल्व है या फायदा उठा रहे हैं वो क्लीन लोग कुछ है लिमिटेड, बट ऑडियंस इधर से या उधर से भाई वो मेंटली टॉर्चर है, उन्हें वो समझ नहीं पा रहे, इतना फंस गया है। जब मैं देखता हूँ सुनता हूँ व्यूज लेता हूँ, या लोग पसंद मुझे आके बताते हैं कि भाई हम भाई आप तो डिप्रेशन में जो हो हम तो आपसे ज्यादा हैं, लोग रो रहे हैं पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, दुख होता है उनके बिल्कुल लिए। यार भाई ऐसे ही है, किसके लिए कर बिल्कुल किसके जी लिए कर रहे हो, दोनों साइड का मैं बोल रहा हूँ कि भाई जी खत्म करो अपनी अपनी लाइफ में, चिल मारो मस्त हो जाओ, क्या कर रहे हो आप लोग। चलो वो मुझे इतना मैसेज करे, मैंने कहा भाई मुझे नहीं समझ आती कि अगर ज्यादा इशू है आप बैठो, मैं तो दोनों साइड को बिठा के खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ भाई उनको खत्म करो, उनको मैं खत्म नहीं कर सकती, उनको नहीं खत्म कर सकती, मैंने कहा भाई बस नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं इसको। एक मुखलिस नहीं है कोई यहाँ पे, कोई भी मुखलिस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, भले मैं नाम लेके बोल दूंगा मुझे इसमें कोई याद नहीं है, मैंने देख लिया सब कुछ जो दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
जब आपका मफाद बीच में कहीं पे भी आपका मफाद हो, आप किसी पोस्ट पे हो, किसी उस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, लीडरशिप किसी जगह पे ले लो, घर पे, किसी बिजनेस पे, जॉब पे, कहीं पे भी हो ना, जहाँ पे आपका मफाद शुरू हो जाए ना कहीं, तो वहां पे ना वो कुछ भी आप सही नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आप सिंसियर हो, जहाँ पे आप खुद को ना थोड़ा सा झुका के या थोड़ा सा खुद को नुकसान दे के अगर आप करोगे ना कि ठीक है यार मैं ये चीज अपने आप से ले लेता हूँ, या चले मैं अगर कोई बुरा बोलेगा तो मुझे बोल दे क्योंकि चीज मैंने खत्म करानी है, मैं सिंसियर हूँ, उस चीज का फिर अलग अच्छा मजा है, आपने वहां यही पे तो सुना समझ है आ। ना? जी, हाँ आप ना बिल्कुल बात सही कर रहे हो, लेकिन आप एक तरफ ये चीज भी मानोगे कि देखो एक खानदानी जैसे माशाल्लाह आप हैं, अगर नेक्स्ट जिनकी बातें हो रही है वो भी खानदानी होते तो ये बातें आपको पता यहाँ आती ही ना। एक बिल्कुल बंदा मुझे बता दें इनकी फैमिली में कि जिसको बंदा कहे कि हाँ यार ये बंदा या इनकी फैमिली में ये एक बंदा ठीक है, ये सब पैसों अफसोस के है, तो अफसोस है, वो भी आपको अफसोस है बच्चों भाई, की मैं अभी भी बोल रहा हूँ। देखिए इज्जत इनके लिए मैं कुछ अभी नहीं भी है। देखे मैं अभी बोल रहा हूँ कि एजाज भाई मुझे मेरी फैमिली से पहले मुझे डांट पड़ी है कि भाई तू भी गलत है, तू कैसे बोल सकता है। हाँ ठीक है, हम खड़े हैं, सब कुछ ठीक है, बट गलत तो तू भी है। उन्होंने कभी मुझे ये अप्रिशिएट नहीं किया, ऐसे भाई तू गलत, तू भी है। जब ये चीज हो ना, कोई दबकाने वाला, किसी का डर डर खौफ पहले ना हो, जब थोड़ा लिहाज हो ना। देखिए आज जितना जिस जगह पे जिस एज में मैं हूँ, डर भले मुझे नहीं है लेकिन मुझे लिहाज है बड़ों का, जाते लेकिन ठीक है बोल रहे हैं। अब मैं वो एक बंदा ज्यादा बोल रहा है, अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल दूँ ना तो वो शायद बहुत कुछ हो जाए, लेकिन नहीं यार क्या उस पर भी मुझे पता है। फिर ना बहुत सारी चीजें है, मैं बस बीएसएस सर को या मतलब बहुत से लोगों को पता है, शायद पैनल पे इधर उधर बहुत सारे लोगों को पता है, बट फिर क्या रह जाएगा। मतलब एक चीज को, गंद को खत्म करो तो इससे शायद बड़ा गंद आ जाए सामने, मैं ये बता रहा हूँ आपको, शायद इससे भी बड़ा गंद सही निकल है के आ जाए सामने। जाफ फिर भाई। इससे हाँ मुझे पता है क्योंकि कि इससे भी बड़ा गंद मेरा आ भी जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो सामने लोग ना तो एक बंदे को, क्वेश्चन एक बंदा ना बड़ा उंगली में दे है ना ऐसे वो कर रहा है, बट उसके लिए मेरा है कि नहीं भाई मैं तेरा फिर भी लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि छोड़ दे इस बात को, ऐसा नहीं बनना चाहिए, मैं तो खत्म कर रहा हूँ। बट मेरा मेरा मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा नहीं उखाड़ सकता कोई भी कुछ, मैं आज भी बोल रहा हूँ नहीं है दम किसी में, लेकिन मैं क्या नहीं आपके करेंगे लेवल की नहीं है उससे यहाँ ज्यादा बात पे, ना, ये बिल्कुल आप सही तो कह फिर रहे क्या हो करेंगे। ये आप वो जो कह रहा है जो बैठ के मैं ये कर लूंगा, मुझे क्या, मेरा मेरे पे ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, ये अय्याश है, इसने घर वालों का पैसा खाया, इसने घर वालों को बेच के अभी किसके लिए किया, अच्छा ये मजनू है मैं मजनू बुलाऊंगा किसके लिए भाई, किसके लिए, अब ये भी उसकी डेफिनेशन पूरी बताओ, अच्छा ये है, हाँ ठीक है झगड़ालू है, ठीक है इस पे पर्चे होंगे, ठीक है भाई। मैं था क्योंकि मैं अग्रेसिव बड़ा, मैं अजीब लाइफ से निकल के, मैं 2 साल हो गए मैं अपने आप को चेंज करके, मैंने शायद भैया को एक दो जो सिस्टर हुई है, मैंने एक दो बार ये बात कही, शायद नहीं कहना चाहिए कि मैं ये कहता हूँ कि मैं मुसलमान हुआ, मतलब इस सही तरीके से कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ। सबसे पहले मेरे मानना रिलीजन ठीक है बेस्ट सबसे होना चाहिए, बट जो सबसे पहले होता है ना अच्छा इंसान होना, इंसान बनने की कोशिश, मैं कि अच्छा इंसान बनूँ, तो भाई आप इजाज मुझे क्यों नहीं भाई बनने दे मतलब रहे। आप तो हैं इजाज भाई। हाँ जी इजाज इजाज भाई सबको बनना भाई चाहिए। जी जी साहब उधर ना जाहिद अपने सेशन में बोल रहा है कि इजाज को ना सितारा ने कमर में बंद करके थप्पड़ मारे, वाकई अच्छा ऐसा हुआ सही, था? ठीक हो गया सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले ये तो बिल्कुल ऐसा एक्सेप्ट कर है। दिया ना जाहिद ने, ये तो बता दिया कि एजाज और यार सितारा कमरे में थे कभी। खुद बस ही खोल शर्म रहे आनी हैं, चाहिए। खुद ही इजाज खोल भाई रहे हैं, सच्चाई खुद ही बताएं खोल थप्पड़ रहे हैं। किसने मारे थे? यार छोड़ दो भाई, तेरी मेहरबानी भाई छोड़ दे, तो नाटक नहीं ऐसे मतलब मत मेरे ये देखे सवाल का देखे जवाब देखे देने इजाज देखे भाई जो कहते छोड़ दो छोड़ जो दो मुझे छोड़ दो। देखे जो मुझे जानते हैं ना, 2 साल हो गया मैं, 1.5 साल हो गया बड़ा मैं शरीफ सीधा बड़ा अच्छा बन गया, वरना तो भाई मैं तो अजीब ही लाइफ वाला, अजीब ही साथ का, मैं तो बस ठीक है छोड़ दें इस बात को, जो इजाज मुझे भाई जानते हैं रिक्वेस्ट भाई है, हमारी इज्जत किसको पे नहीं बात छोड़ना आई, है आप इस कह बात रहे को छोड़ रहे, बताएं। हाँ हमारे नहीं भाई छोड़ो आप थप्पड़ इजाज मारे भाई मतलब रुकाएं, कैसे? तो भाई मेरे तो लास्ट टाइम जो है ना अभी इन पंगों से इन चीजों से तो होके भाई कहते हैं कि भाई तेरी मेहरबानी, तूने दुनिया में जहाँ पे सेट होना है तू जा रहा है, जितना पैसा लगता है हम लगाते हैं, तू खुश रहे, क्योंकि मैं जितना मैं अग्रेसिव था मैं दुआई मांग मांग के अपने आप में सब्र लाया, मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं क्या था, ठीक है क्या बस ऐसे आपके कोई भी माँ बाप बकवास की उठे दुआ थी उलट इजाज समझ भाई, लें, आपकी उलट समझ लें, सीधे उसको उलट कर रखे लें, से किसको अच्छा इसको उलट उलट कर करते लें, वो इजाज जो भाई। कर इसको, यार तुम फिर मुझे लगता है स्टेटमेंट लेने के चक्कर में है, मुझे आज भी किसी का मैसेज आया, परसों अल्लाह आया कि प्रोफेसर ने ना ऐसे ऐसे बोला है, मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं बताएं, मैं तो जाके किसी को नहीं किसका बोल रहा, मैसेज आया भाई? मैं
मुझे एक बंदी का आया गया है, देखिए वो आपके ब्याह पे ऐसे बोल रहा है, अभी आप कह रहे हो जाहिद खान बोल रहा है,